देश में दूसरी लहर में लोगों की मौत सरकार की लापरवाही और ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई थी। ये बात शायद ही कोई ना जानता हो। ऐसे में सरकार का कहना है कि मौत ऑक्सीजन के कारण नहीं हुई काफी चौंकाने वाला है। बता दें कि केंद्र सरकार ने एक सवाल के जवाब में राज्यसभा में बताया कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान देश में ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत की जानकारी राज्यों की ओर से नहीं दी गई। साथ ही साथ सरकार ने ये भी कहा कि दूसरी लहर में पहली लहर की तुलना में ऑक्सीजन की डिमांड काफी बढ़ गई थी। ये कहा जा सकता है कि सरकार की तरफ से ऐसा जवाब काफी लापरवाह साबित हो सकता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर सरकार ये कह सकती है कि ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई, तो सरकार एक दिन ये भी जवाब दे सकती है कि देश में कोरोना जैसी महामारी कभी थी ही नहीं, या देश में करोड़ों लोगों की मौत हुई ही नहीं, या देश में अपना कभी किसी ने कोई खोया ही नहीं। जानकारी के अनुसार बता दें कि इस स्टेटमेंट को सुन विपक्ष सरकार पर भड़कता दिखाई दे रहा है, और देखा जाए तो ऐसा जरूरी भी है। सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से सरकार के ऊपर विशेष अधिकार के हनन का प्रस्ताव संसद में पेश किया गया है। इसी के साथ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह का ये भी कहना है कि सरकार ने मुसीबत के वक्त लोगों को अनाथ छोड़ दिया था। इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी प्रियंका द्वारा भी ट्वीट कर टिप्पणी पेश की जा रही है। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया भर की बड़ी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए पंजाब केसरी के साथ।